नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जी सेल अकेडमी। तो कैसे हैं सभी लोग? तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हमारी टॉप 10 मिक्स क्वेश्चन सीरीज चल रही है उसका पार्ट नंबर 82 करेंगे, जहाँ पे हम लोग टॉप 10 मिक्स जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए। तो ये मेरे वालों को कुछ इन्फॉर्मेशन, आई हैव डन बीटेक प्लस डिप्लोमा, सिलेक्टेड इन दिस अप्रेंटिस एग्जाम इंटरव्यू एंड दिस जॉब एग्जाम्स, और खासकर पावर ग्रिड जिसका आप लोग अभी एग्जाम देने वाले हो उसके अकॉर्डिंग में हम लोग PYQ करा रहे हैं। तो सीरीज को भी आप ज्वाइन कीजिए और मल्टीपल टाइम्स गेट क्वालिफाइड। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है पहला क्वेश्चन? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्नियर इज एम्प्लॉयड इन एबनी लेवल? देखो, एबनी लेवल एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें कौन सा वर्नियर यूज करते हैं? पहला पॉइंट है कि वर्नियर का पर्पज क्या है, स्मॉल रीडिंग के लिए, ठीक है? या इसको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, कंपास सर्वे या फिर आपका लेवलिंग वाले पार्ट में, है ना, वहाँ आता है। तो यहाँ पे एबनी लेवल में ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सटेंडेड वर्नियर यूज करते हैं। कौन सा? एक्सटेंडेड, ठीक है? तो आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी। तो इनमें क्या है, इनको ऐसे नहीं समझा जा सकता है कि आप लोग ऐसे डायग्राम बना लो और समझ जाओ। इसके लिए डिटेल पिक्चर चाहिए, डिटेल पिक्चर चाहिए होती है, तब आपको लीस्ट काउंट वाला फंडा समझ में आता ढंग से, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ एन आउटलेट, ऑफ एन आउटलेट एंड पेरेंट चैनल, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरेंट चैनल, तो उसको क्या बोलते हैं? इस रेशियो को बोलते हैं फ्लेक्सीबिलिटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ चुके हैं और फ्यूचर में भी आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, अब देखो, इन सीमेंट कंक्रीट पेमेंट टाई बार आर इंस्टॉल्ड इन। देखो, जनरली ये ऐसे कह सकते हैं, इसको बेसिक क्वेश्चन है कि ये बहुत टाइम पहले पूछा जाता था। अगर मैं 2015 से 2017 की बात करूँ तो उस रेंज में, ठीक है, इस रेंज के अराउंड ये क्वेश्चन थोड़ा कम होने लग गया, इससे पहले बहुत पूछा जाता था। तो अब क्या है, सिंपल है कि अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल बार की बात करूँगा तो उसमें टाई बार यूज होती है। कौन सी यूज होती है? टाइप बार। अब इसको डायग्राम से कैसे देखना है, ये देखो, ये इसका डायग्राम है। देखो यहाँ पे क्या देखते हैं हम लोग, ये लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट है, ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये वाला, ये, और इसमें कौन सी बार लगी है? देखो, ये जो बार है ये कौन सी बार है? ये टाई बार है। अच्छा, अब ये वाला जॉइंट कौन सा है? ट्रांसवर्स जॉइंट है, ट्रांसवर्स, ये रहा, ये लॉन्गिट्यूडनल के परपेंडिकुलर ट्रांसवर्स। तो ये वाली कौन सी बार है? ये डबल बार है। तो दोनों याद रखते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलो, अच्छा ये देखो, वियर एंड नोचेस, यहाँ से बहुत ही कम क्वेश्चन बनते हैं और थ्योरेटिकल बेसिस पे ज़्यादा बनते हैं। न्यूमेरिकल बेसिस पे एक बनता है आपका कि चेंज इन डिस्चार्ज इन परसेंटेज, या एरर बोल सकते हैं, इक्वल टू एन आपका DH अपॉन H, ऐसे करके, ठीक है? एक ये भी बनता है, इस पे भी न्यूमेरिकल बनते हैं, सिंपल होता है, और ये खासकर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है UPPCL का एंड UPRVUNL जैसे एग्जाम में, ठीक है? ये PSU JEE लेवल पे होते हैं, जैसे कि पावर ग्रिड भी इसी में आ गया, PGCIL भी, है ना। क्वेश्चन क्या कहता है, विच स्टेटमेंट अबाउट नॉच एंड वियर इज ट्रू? ठीक है, पहली बात देखते हैं कि वियर फॉर लार्ज डिस्चार्ज एंड नॉच फॉर स्मॉल डिस्चार्ज, क्या ये सही है गलत है अभी मुझे नहीं पता। बी को पढ़ते हैं, वियर फॉर स्मॉल डिस्चार्ज, वियर स्मॉल डिस्चार्ज के लिए नहीं होता तो ये गलत हो गया। सी देखते हैं, वियर फॉर स्मॉल डिस्चार्ज, गलत। वियर फॉर हाई वेलोसिटी ना, लो वेलोसिटी। देखो एक कॉन्सेप्ट है, क्यू इक्वल टू ए वी, जब आपका एरिया कम होगा, अगर मैं वेलोसिटी की बात करूँ तो क्यू बाई ए हो जाता है, जब एरिया कम होगा तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो जो नॉच है उसका जो एरिया है वो कम होता है, इससे से वेलोसिटी ज़्यादा होती है, वेलोसिटी ज़्यादा होती है, और वेलोसिटी ज़्यादा है यानी कि, लेकिन ध्यान रख, डिस्चार्ज कम होता है ना, डिस्चार्ज कम होता है। अब देखो वियर नॉच दिखते कैसे हैं, इसका आंसर है ए। देखो मैं इसको रफ करता हूँ पहले, ये क्या है मेरा नॉच है, इसको अगर मैं लोकल लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करूँ तो हौदिया बोलते हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है, हौदिया बोलते हैं। अदर अदर सिचुएशन के अकॉर्डिंग, लोकेशन के अकॉर्डिंग इसका नाम अलग हो सकता है ना। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, गांव में ट्यूबवेल खोद दिए जाते हैं, उससे पानी स्टोर करा जाता है इनमें, उसके बाद पानी को ट्रांसफ़र करा जाता है कहाँ पे? खेतों में, किसके लिए? सिंचाई के लिए। तो इनको बोलते हैं नॉच,
ठीक है, ये खेतों में होते हैं जनरली, है ना, जब बच्चे नहाते भी हैं। अच्छा, अब क्या, जब नदी होती है, ठीक है, नदी होती है, ये नदी होती है, तो उसका जो फ्लो की वेलोसिटी, उसको कम करने के लिए वहां पे वियर लगाए जाते हैं, है ना, तो उनको बोलते हैं वियर। वियर अक्रॉस द रिवर लगाया जाता है, लेकिन ये अक्रॉस नहीं है, ध्यान रखना, ये पर्टिकुलर सेक्शन पे ही है। वो क्या होता है, पूरा अक्रॉस लगता है ना, ये समझ में आया। अच्छा, अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि वियर लार्ज डिस्चार्ज के लिए यूज होता है, वही नॉच स्मॉल डिस्चार्ज के लिए यूज होता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि जो नॉच है वो एक्यूरेट डाटा देता है, किसके कंपैरिजन में, आपका वियर के कंपैरिजन में, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। अच्छा, अगला देखते हैं, रिटेनिंग वॉल आर डिजाइन फॉर। अच्छा, रिटेनिंग वॉल, ध्यान रखना, दो पॉइंट है इंपॉर्टेंट, एक रिटेनिंग वॉल हुआ और एक ब्रिज हुआ। रिटेनिंग वॉल को डिजाइन करते हैं एक्टिव केस के लिए, इसको डिजाइन करते हैं एट रेस्ट केस के लिए। अच्छा, रिटेनिंग वॉल यानी कि एक्टिव अर्थ प्रेशर, यानी ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर है ना, टू द पॉइंट, इतना याद रखना है बस। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ब्रिज, ब्रिज को किससे डिजाइन करते हैं, एट रेस्ट कंडीशन, है ना। चलो, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फॉर टिम्बर बीम इंपॉर्टेंट है, कितना होता है, स्पान बाय 360, याद कर लो, है ना। अच्छा, टिम्बर की अगर मैं बात कर देता हूँ, टिम्बर की बात कर देता हूँ, तो एक क्वेश्चन है कि टिम्बर में जो स्ट्रेंथ होती है वो पैरेलल टू ग्रेन मैक्सिमम होती है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, वाइब्रो फ्लोट कैन बी यूज फॉर कॉम्पैक्टिंग। अच्छा, वाइब्रो फ्लोट, अच्छा, वाइब्रेशन हो सके और जो फ्लोट कर सके। अच्छा, जो फ्लोट कर सकेगा, यानी कि अगर मैं कहूँ ये पार्टिकल आपस में फ्लोट करें, यानी कि इनमें अट्रैक्शन फोर्स नहीं होना चाहिए, अट्रैक्शन फोर्स नहीं होना चाहिए तभी तो फ्लो कर पाएंगे। अगर अट्रैक्शन आपस में इतना अट्रैक्शन फोर्स होगा कि एक दूसरे से जुड़े रहें तो फ्लो नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब तो ये है ना, यानी कि आपस में अट्रैक्शन फोर्स ना हो। अट्रैक्शन फोर्स का क्या होता है, कोहेसन ना हो। अच्छा, कोहेसन नहीं होगा तो सॉइल कौन सी होनी चाहिए, कोहेसनलेस, हाँ या ना, कोहेसनलेस, तो ऑल सॉइल तो होगा नहीं, कोहेसन सॉइल होगा नहीं, क्रश रॉक होगा नहीं, है ना, कि उनके लिए वाइब्रेशन नहीं करते, क्रश रॉक के लिए, कोहेसनलेस सॉइल के लिए करते हैं, उसमें भी कौन सी होती है, सैंड होती है। तो आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर है ना। चलो, अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब एक बात गौर करना, 105.0.2012 इसको क्या अपडेट हो गया है, तो इसके अकॉर्डिंग जो अपडेटेड डाटा है उसी को नोट करना, क्योंकि जो PYQ हैं जितने भी, उनमें जो क्वेश्चंस का डाटा है वो PYQ के अकॉर्डिंग ही आंसर है, और जो बुक्स हैं वहाँ पे भी वहीं प्रिंटेड है, लेकिन अब डाटा चेंज हो गया, इस वजह से ये चीज़ें भी चेंज हो गई है, और साथ साथ जितने भी सीमेंट है वो सारे ISO 26952015 के अंडर आ गए हैं, तो उनके भी जो केमिकल फिजिकल का तो मुझे इतना पता नहीं, इतना चेंज नहीं हुआ, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें चेंजेस हुआ है, तो उनको भी एक बार चेक कर लेना जरूर, है ना। क्या बोल रहा है, द एक्सेप्टेबल लिमिट फॉर NTU, NTU की रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 5 तक, जी रिजेक्शन के लिए, ये एक्सेप्टेशन के लिए, तो कितना हुआ, 1, 1 क्या हुआ, NTU, ठीक है, एक इसके लिए होता है आपका टर्बिडिटी के लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा देखो, ये इंपॉर्टेंट है, अब तुम लोग सोचोगे कि सर हर चीज़ को इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बोल देते हैं, सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि AEJEE एग्जाम डेटा का क्वेश्चन है, डाटा, जितना डाटा याद रखोगे वही बेहतर है ना, रेगुलर प्रैक्टिस, कह नहीं सकते कौन सा क्वेश्चन कहाँ आ जाए, और जो क्वेश्चन आ गया वही इंपॉर्टेंट, जो सिलेक्शन दिला गया वही इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा, इसको देखते हैं, द क्रॉस स्लोप ऑफ टेरेन ग्रेटर देन 25% एंड लेस देन 60%, यानी कि जो टेरेन है उसका परसेंटेज बात करूँ तो 25 से 60 की रेंज में है, तो उसको कैसे क्लासिफाइड करेंगे। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपका क्रॉस स्लोप का और टेरेन के टाइप का, तो यहाँ देखो, अगर 0 से 10 है, ठीक है, 10 से 25 है, 25 से 60 है, और 60 से ज़्यादा है, तो पहला होता है प्लेन, एकदम समतल, यानी जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो 0 डिग्री है। 10 से 25 क्या होता है आपका, रोलिंग, कि कोई गेंद रखो थोड़ा रोल होना स्टार्ट हो जाएगी, रोलिंग हो गया, ठीक है। 25 से 60 क्या हो गया, माउंटेन आ गए, पहाड़ जिस पर आप चढ़ सको,
ठीक है, स्टीप 60 से ज्यादा होता है जिसपे आप चढ़ ही ना सको, है ना, जिसपे आप चढ़ ही ना सको। तो 25 से 60 की रेंज में क्या आता है, माउंटेनियस टेरेन आता है, यानी ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, है ना। इनको ऐसे याद रखो कि जो वर्टिकल एंगल है ये बढ़ता जा रहा है, इस केस में 0 डिग्री था, इस केस में मान लो इससे ज्यादा होगा, इससे ज्यादा होगा मान लो 5 डिग्री हो गया, इस केस में इससे ज्यादा हो गया मान लो कि आपका 20 डिग्री हो गया, इस केस में मान लो ज्यादा हो गया, कितना हो गया, ग्रेटर देन 45 डिग्री हो गया। ये है नहीं, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब 45 डिग्री से ज़्यादा एंगल हो जाएगा या फिर इसके बराबर भी हो जाएगा तो पहाड़ एकदम स्टीप स्लोप हो जाएगी, तो पहाड़ पर चढ़ना टफ हो जाएगा, तो उसी केस को बोलते हैं स्टीप, एकदम खड़ी चट्टान टाइप में, है ना। चलो तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। अच्छा, प्रेसिपिटेशन एक फॉर्म होती है जिस भी फॉर्म में वाटर, चाहे वो फ्रीजिंग फॉर्म हो या फिर लिक्विड फॉर्म हो, में एटमॉस्फेयर से अर्थ पे आता है, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन होना, है। अच्छा ठीक है, अब इसकी डिफरेंट फॉर्म होती है, स्नो भी होती है, रेन भी होती है, हेल भी होती है, स्मॉग नहीं होती है। क्या नहीं होती, स्मॉग नहीं होती। अच्छा, रेन का अगर मैं बात करूँ कि रेन का जो डाया होता है कहाँ से कहाँ तक होता है, 0.5 से लेके आपका 6 mm, तो ये इंपॉर्टेंट डाटा है, ओके, तो इसको याद रखना। तो यहाँ पे हम लोगों ने टॉप 10 जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिए। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो पिछली वीडियो का क्वेश्चन था, इफ एक्टिविटी ऑफ सॉइल इज बिटवीन 0.75 to 1.25 देन इट इज कॉल्ड। अच्छा, अगर मैं एक्टिविटी की बात करूँ तो IP अपॉन परसेंटेज ऑफ क्ले फ्रैक्शन होता है, ठीक है, अगर एक्टिविटी मेरी लेस देन 0.75 है, दूसरा केस है 0.75 से लेके 1.25 है, तीसरा केस है ग्रेटर देन 1.25 है, इसको याद कैसे करना, IMA, इंडियन मिलिट्री अकेडमी, है ना, ये शॉर्ट ट्रिक है, आप लोग समझ सको तो समझ लो या फिर अपने अकॉर्डिंग याद कर सकते हो। मैंने याद किया इंडियन मिलिट्री अकेडमी, I4 इनएक्टिव, M4 मीडियम एक्टिव, A4 एक्टिव। अच्छा, सेंसिटिविटी की रेंज होती है कितना सेंसिटिव है ना, कितना सेंसिटिव है, लेकिन यहाँ पर वो एक्टिविटी की बात कर रहा है, तो एक्टिविटी के टर्म में बात करेंगे हम लोग, है ना, बी वाला ऑप्शन हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग A C D। अच्छा, ए का नॉर्मल हो या फिर मीडियम हो, बोलते हैं ना किसी भी चीज़ में मीडियम कर दो, मीडियम यानी कि जो चीज़ नॉर्मली सब लोग यूज़ करते हैं, तो यहाँ मीडियम का मतलब ही क्या है, नॉर्मल है, जाना। तो यहाँ बोला क्या है इसने, 0.75 से 1.25, यानी कि ये वाली रेंज हुई, ये वाली रेंज हुई, यानी मीडियम एक्टिव यानी नॉर्मल एक्टिव, तो आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अच्छा, हाईली एक्टिव यानी कि एकदम एक्टिव, यानी कि ए होता उस केस में, 1.25 से ज़्यादा होता तो। अच्छा, इनएक्टिव यानी 0.75 से कम होता तो इनएक्टिव होता, है ना, इंपॉर्टेंट है और सिंपल है और पूछा जाता है ना। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को बता दूं कि क्या है, कि जितना ज़्यादा ये एग्जाम के समुद्र की तरह ना, गेट गेट देखो, AJEE एग्जाम समुद्र की तरह, आपको ऊपर ऊपर से सब जगह पूरा कवर करना पड़ेगा, लेकिन गेट एग्जाम क्या है, गेट एग्जाम स्पेसिफिक है कि इतना टॉपिक है इतने में से ही पढ़ना, लेकिन क्वेश्चन का लेवल अलग होता है, तो AJEE में ये अप्रोच मत करना, इनके अप्रोच बहुत डिफरेंस है दोनों की, है ना। तभी कह रहा हूँ कि AJEE में जितना एरिया कवर कर सको, जितना वेराइटी क्या होता है, क्वेश्चन कभी इस पार्ट से आ गया, कभी इस पार्ट से आ गया, है ना, और बच्चे पे डिपेंड करता है, उसका लक है कि जिसने जो जितना पढ़ा वो फंस गया सारा, ये भी डिपेंड करता है, तभी मैं कहता हूँ पूरा कवर करो जितना कवर कर सकते हो, है ना। और ये है क्वेश्चन ऑफ द डे, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर सही कर पाते हैं, अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, ठीक है, और किसी भी एग्जाम के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका भी अगर आंसर देना संभव होगा तो हम लोग जरूर देंगे, ओके। और टिल देन बी हैप्पी, कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इलेक्शन वाला साल है, वैकेंसी भर के आने वाली है ना, ये ट्रुथ है, और प्रिपरेशन मत छोड़ना, तैयारी में लगे रहना कंटिन्यूस डट के, ओके। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, है ना, चलिए।